जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए याचिका दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों के ऊपर बड़ी बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार की राय को जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवार नियोजन के लिए सरकार ने भी अभियान चलाया है। हालांकि देश में इसे लेकर कोई बड़ा कानून नहीं है। इसके कारण अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर बहस छिड़ी हुई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाने को लेकर अपनी राय दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत अपने लोगों को परिवार नियोजन के लिए बाध्य करने और बच्चे पैदा करने की संख्या निर्धारित करने के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक हैं, जो लोगों को उनका परिवार कितना बड़ा हो ये तय करने और अपने अनुसार बिना किसी मंजूरी के परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य विकास का विषय है और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों की प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य संकट से बचाया जा सके। दिशा निर्देशों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभावी निगरानी और हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार ला सकती है। मंत्रालय इसमें सहायक की भूमिका निभाता है। जहाँ तक राज्य में दिशा निर्देशों और योजनाओं के क्रियान्वयन का संबंध है, उसमें उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास विशेषाधिकार है। मंत्रालय केवल अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धन आवंटित करता है। दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मानना है कि भारत ने एक व्यापक और समग्र राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया है, जिसके कारण देश के कुल प्रजनन दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 20 सालों में कुल प्रजनन दर 2.3 से नीचे गिरकर 2.2 हो गई है और सरकार का लक्ष्य 2025 तक इसे 2.1 तक पहुंचाने का है। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, जिसमें धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी, लेकिन सरकार इसके लिए लोगों के ऊपर कोई कानून नहीं थोप सकती है, क्योंकि इसका गलत परिणाम सामने आने की संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में वैश्विक स्तर पर बनाए गए कानूनों की बात भी की गई है। सरकार ने कहा है कि दुनिया के कई देशों ने ऐसे कानून बनाए जिसका गलत परिणाम सामने आया, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कठोर कानून बनाने की बजाय जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।